ओम शांति। ज्ञान मुरलियों के मधुर महावाक्यों का सरल प्रैक्टिकल स्वरूप प्रस्तुत करने वाली हमारी आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी हम सब के बीच में हैं। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1969 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसी वर्ष आप ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर आए और फिर मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम जब 1972 में पास की तो संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। चूंकि आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, इसलिए आरंभ में आपने सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद जैसे स्थानों पर अपनी सेवाएं दी और फिर लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं थी। और फिर 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, बाबा ने आपको वहाँ निमित्त बनाया और लगातार 18 वर्षों तक वहाँ पर रहकर आपने वहाँ का रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि आदि बहुत सुचारू रूप से चलाया। और उसके बाद वर्ष 2010-11 के आसपास जब शांतिवन में सेवाओं का विस्तार बेहद होता गया तो बाबा ने आपको वहाँ के लिए निमित्त बनाया। तो शांतिवन में रहकर तीनों ही कॉम्प्लेक्स में, देश विदेश में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप मुख्य रूप से राजयोग प्रशिक्षिका हैं, भट्टी की प्रशिक्षिका हैं, SML की प्रशिक्षिका हैं और हमारा जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। और इसीलिए समय समय पर कहीं राजयोग शिविर कराने, कहीं भट्टियाँ कराने, कहीं SML के कोर्सेज कराने और कहीं बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम्स कराने आप भारत भर में भ्रमण करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त दादी रतन मोहिनी के संग उनके कारोबार में भी अपना पूरा गुप्त योगदान देते हैं और जो हमारे कन्याओं की टीचर्स ट्रेनिंग होती है उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। और ज्ञान की तो बहुत गहरी स्टडी हो करते हैं आप, जिसका लाभ पूरे ब्राह्मण परिवार को मिलता है। तो आज भी हम आपसे लाभ प्राप्त करेंगे। पिछले संडे ही बाबा ने मुरली चलाई थी ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी पर, तो इसका प्रैक्टिकल स्वरूप हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे दीदी से। आदरणीय दीदी जी, ओम शांति। आप सभी बाबा के बच्चे, ब्रह्मचारी बच्चे, ब्रह्मचारियों की सभा है, खुद के लिए ताली बजाओ। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे 100 ब्रह्मचारी मिल जाएं तो मैं पूरे भारत की सूरत बदल दूं। यहाँ 200 ब्रह्मचारी बैठे, अवश्य भगवान हमारे द्वारा विश्व बदलेगा। कितनी ऊंची बात है, घर गृहस्थ में रहते हुए
पवित्र योगी जीवन। दुनिया में कोई सोच नहीं सकता है, और यहाँ ये सत्य है, वास्तविकता है। प्रथम पाठ ही बाबा ने ऐसा पढ़ाया, जो बुद्धि देहभान से ऊपर उठ गई। पहले ही सत्य ने आत्मा को जगा दिया। कहां दिन रात देहभान में रहते थे, देह की, देह संबंधों की और दुनियावी बातें सोचते रहते थे, देखिए अपने आप को। ज्ञान से पहले हमारी बुद्धि कहाँ थी? इंद्रिय रसों में डूबी हुई थी। पहले ही पाठ से देहभान से न्यारे हो गए। बाबा कहते पवित्र बनने की सहज युक्ति बाबा बताते, जिनको ये रियलाइज हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, तो कहां खुद को देह समझते थे, तो दिन रात दैहिक कारोबार में ही जाता था। बाबा ने हमें देहभान से न्यारा कर दिया। उनको ये सत्य पता नहीं, इसलिए भक्ति में उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी। देह दमन करते हैं, इंद्रियों को कष्ट देते हैं, और योगी बनने के लिए दुनिया छोड़कर जंगल में जाते। हमें ये कोई मेहनत नहीं हुई, योगी बनना है तो बाबा ने हमें बताया दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं है, देहभान को छोड़ना है। पवित्रता सहज धारण हो गई। अब हमारी बुद्धि अपनी असली शुद्ध आत्मस्थिति में, असली घर में, असली बाबा में रहती है। दुनिया की जो सबसे मुश्किल धारणा है, वो हम बाबा के बच्चों में सहज धारण हो गए। ये निशानी है कि हम वो ही देवता घराने की आत्माएं। हमें ये नियम मर्यादाएं मुश्किल नहीं लगे, सहज स्वीकार हो गए। हमें अनुभव होता है कि सही जिंदगी अब शुरू हुई बाबा के बने तो। उससे पहले कोई जीवन
का लक्ष्य कोई जीवन जीने का सही मार्ग नहीं था। अब इस पवित्र योगी जीवन, ये तो बाबा ने ही बना दिया, अब हमारा लक्ष्य है कि इस पवित्र योगी जीवन का हर संकल्प, हर श्वास क्षण और उच्च पुरुषार्थ में सफल करना है। ये हमारा फाउंडेशन है, सच्चे पक्के ब्राह्मण बनकर। अब हमारा लक्ष्य है, कौन सी तमन्ना है, क्या सुना, हाँ, बाबा जैसा बनना है। नंबर वन, आत्मा ने जिस रीति से शिव बाबा को प्रैक्टिकली फॉलो किया, हमें भी ऐसा बनना है। संपन्न और संपूर्ण बनना, जब तक भरपूरता नहीं, कोई बात की कमी है, तब तक जीवन में पूर्ण संतुष्टता और प्रसन्नता नहीं आ सकती। भौतिक रूप से भी आप देखिए, हमारे घर में सब कुछ है पर ये नहीं है, बस जो नहीं है वो ही खलता रहता है। हमारे घर में ये है, ये है, ये है, पर ये नहीं है, है ना, तो पूरी खुशी नहीं होती। तो इंसान लक्ष्य रखता है कि जो जरूरी है वो सब कुछ हमारे पास हो। तो आध्यात्मिक रूप से भी जब तक हम भरपूर नहीं, हर गुण और शक्तियों से भरपूर नहीं, तब तक सदा काल की संतुष्टता और खुशी नहीं हो सकती। तो जो कमी है, हर एक अपने आप को जानता है। बाबा ने ज्ञान का दर्पण हमें दिया है, देवता बनना माना संपूर्ण मानव बनना, वही बात हुई ना। तो उस लक्ष्य की तुलना में खुद को देखते हैं तो पता चलता है कि मेरे में किस गुण और शक्ति की कमी है। पवित्र तो ज्ञान में आते ही बन गए, ये बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति आत्मा को जगा दिया, देहभान से ऊपर उठा लिया, पवित्र जीवन बन गया। अब हम पुरुषार्थी हैं कि कोई भी गुण की, शक्ति की, समझ की कमी न रहे। जब बाबा संपूर्ण प्राप्ति करा रहे हैं तो थोड़े में राजी क्यों होना है, लक्ष्य है ना सबका पूरी प्राप्ति करने। थोड़ा बहुत बन गए इतना नहीं,
भक्ति में भी जानते थे कि भगवान जब देते हैं तो कैसा देते, पता था ना, तो फिर थकना नहीं है अब वो छप्पर फाड़ के दे रहा है, बेहद का दे रहा है। पवित्र बन गए, योगी बन गए, सेवा में जीवन सफल हो रहा है, पर इतने से रुकना नहीं है। जब वो बेहद का दे रहा है तो हमें भी पूरा लेना है, अपने आप में इतनी हिम्मत, उमंग, उत्साह, शक्ति रखनी है कि जब ब्रह्मा बाबा बन सकते हैं तो हम उनके बच्चे, हम भी ऐसे ही बन के दिखाएं। ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ शिव बाबा के कार्य में सहयोग नहीं दिया, सहयोगी तो हम सभी भी हैं भगवान के, पर ब्रह्मा बाबा जिम्मेवार बना, हमें जिम्मेवार बनना है। सिर्फ सहयोग देना भी, आज 500 लोगों का ब्रह्मा भोजन बनाना है, कौन कौन मदद करेंगे, कौन कौन मदद करेंगे, तो देखो सब हाथ उठाते, जवाबदार कौन बनेगा तो कोई कोई हाथ उठाएंगे, क्योंकि जवाबदारी उठाने में शक्ति चाहिए, हमें जवाबदार बनना है। भगवान के रचे हुए इस यज्ञ को हमें लक्ष्य पर पहुंचाना है। भगवान ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसको कंप्लीट करना है, देवता बन के दिखाना है। तो फाउंडेशन पवित्र जीवन है, इसके बगैर एक कदम भी आगे नहीं हो सकता है। बाबा ने मुरली में बताया ना, पवित्रता के बाद रूहानियत आती है, स्पिरिचुअलिटी आती है, फिर दैवी गुण धारण करते हैं, दिव्यता आती है। पवित्रता, रूहानियत, संगम युगी योगी जीवन, रूहानी जीवन, स्पिरिचुअलिटी, देही अभिमानीता का तेज अपने में धारण करना है। इतना हम देहभान से न्यारे रहे, आत्मभिमानी स्थिति में रहे, तो रूहानियत का तेज हर कर्मेंद्रिय में धारण होता है। हर कर्मेंद्रिय से देहभान का त्याग हो। बाबा ने कहा था, देहभान से वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य सिर्फ खाने पीने पहनने का नहीं, देहभान से वैराग्य, अब मुझे देहभान में नहीं आना है, जबकि मैं हूं ही आत्मा। तो बाबा कहते हैं, हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बन सकेंगे, हर कर्मेंद्रिय से अज्ञान काल में पाप हुए हैं,
हर कर्मेंद्रिय से मुझे पुण्यात्मा बनना है। तो ब्राह्मण जीवन की शुरुआत कर्म में ब्रह्मचर्य की धारणा से। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना। विकार का अंश भी न रहे, ये लक्ष्य खुद को बनाना होता है। खुद को ठानना होता है। पता है ना सबको, देवता बनना माना क्या बनना है, प्रैक्टिकली क्या बनना है, क्या महिमा गाते हैं। तो ये क्लियर रहे, देवता बनना माना सर्वगुण संपन्न बनना। कोई भी गुण की कमी न रहे। पवित्रता तो बाबा के बनते ही धारण हो गई, पर ये छोटी मोटी कमियां अब तक हमने क्यों रखी है। हम कहते हैं ना भाई मेरे में, मैं सहन नहीं कर सकती, इसमें धीरज नहीं है, ये एकदम रुके हैं। प्रेम होना चाहिए। हर एक अपने आप को देखो, हम कहीं न कहीं कोई न कोई कमी में अटके हुए हैं। तो इतनी ऊंची धारणा हमने कर ली पवित्रता की, ये छोटी मोटी कमजोरियां बरसों तक हमने अपने में क्यों रखी। हमें खुद खुद से पूछना है। इस पवित्र योगी ब्राह्मण जीवन का समय कई बार तेरी मेरी करने में, परचिंतन करने में, ग्लानी करने में, रुसने में, रूठने में, रोने में, मूड ऑफ करने में, प्रदर्शन करने में क्यों गवाह हम रहे। हमारी इच्छा के बिगर तो ये कमियां रहेगी नहीं ना। इसका अर्थ ये है कि अभी तक हम परफेक्शन को, संपन्नता और संपूर्णता को लक्ष्य नहीं बनाए हुए। हमें लक्ष्य बनाना होगा। इतनी ऊंची धारणाओं के बावजूद देखो ब्रह्मचर्य की धारणा कितनी ऊंची धारणा है। अन्न शुद्धि की धारणा जीवन भर के लिए, कितनी ऊंची धारणा है। अमृत वेले रोज उठना, ऐसे नहीं भाई सोमवार को उठना है, गुरुवार को उठना है। यहां तो कोई दिन ऑफ है ही नहीं, अमृत वेला तो रोज उठना है, कितनी ऊंची धारणा है। किसी को सुबह 5 बजे उठना कहो तो भी मुश्किल लगता है। बाबा के बच्चे 3:30 बजे से उठ जाते हैं, कई तो पता नहीं 2 बजे से 3 बजे से। कितनी ऊंची धारणा। रोज मुरली क्लास करना, एक दिन भी नहीं जाते हैं तो खुद को ही नहीं अच्छा लगता है।
इतनी ऊंची धारणाओं के बाद भी और सत्य ज्ञान है, हम सबकी बुद्धि में सत्य ज्ञान है। आज बाबा ने कहा ना, वो क्या कथा कहानियां सुनाते, जो दुनिया के विद्वान पंडित गुरु आचार्य अभिनेता राजनेता वैज्ञानिक नहीं जानते हैं, वो बाबा के बच्चे जानते हैं। इतना ऊंचा सत्य ज्ञान है हमारे पास, डायरेक्ट परमात्मा से योग है, कोई देवात्मा धर्मात्मा से योग नहीं है, डायरेक्ट भगवान से हम योग लगा। इसके बावजूद भी हमारे साथ रहने वाले लौकिक अलौकिक या हमारे नौकरी धंधे के साथी अभी तक साधारण रूप में ही हमें समझते, बल्कि हमारी जो कमी है उसी की बातें क्यों करते हैं कि भाई ये रोज ओम शांति में जाते हैं पर गुस्सा भी करते हैं, ये लोग तेरी मेरी बहुत करते हैं, ये रूठते हैं, इनको बहुत नाराजगी हो जाती है बात बात, हमारी कमियों की बातें क्यों होती है, हमें खुद पर सोचना है कि इन छोटी छोटी कमजोरियों के कारण इतनी ऊंची धारणाओं का प्रभाव नहीं आ रहा है कि नहीं। ऐसा आपकी हमारी सबकी बातें होती है, हमारी दीदी बहुत अच्छी है परंतु क्योंकि हमने संपन्नता का लक्ष्य मजबूती से नहीं पकड़ा है, हम इन कमी कमजोरियों को चला लेते हैं। तो ये लक्ष्य, क्योंकि तभी आत्मा सदा प्रसन्न रह सके। ये समय है जब हम भगवान से अपने आप को भरपूर कर सकते हैं। हमें अनुभव हो भाई कर्म में ब्रह्मचर्य है, पर हमें अनुभव हो मैं अंदर से शुद्ध आत्मा, मन में भी गंदगी नहीं, जो चीज छोड़ दी फिर वो सोचनी भी नहीं है मुझे, कहते हैं ना जिस पेड़ के आम खाने नहीं हैं वो गिनने क्यों है, उस गली में वापस जाना ही नहीं, मन भी शुद्ध। इसलिए कहते हैं ना भक्ति में भी आंख का भी ब्रह्मचर्य, दृष्टि वृत्ति शुद्ध आत्मिक, इस अलौकिक जन्म में बाबा ने सबको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाया। इस अलौकिक जन्म में कोई अधर कुमार अधर कुमारी नहीं है, संबंधों की पवित्रता और दैहिक संबंधों का भाव भी नहीं,
युद्ध तभी चलता है ना जब हम अभी भी उनको भी चाहते हैं, बुराई को भी और अच्छाई को भी। दिल स्वीकार करे शुद्ध आत्मा, वे लोग बड़ा बड़ा परिचय देते हैं ना, राजयोगिनी, ब्रह्मा कुमारी, तपस्विनी, तो अंदर देखना पड़ता है ना कि स्वीकार हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी विकार का अंश नहीं। ऐसे तो नहीं समझते हैं ना हम कि काम क्रोध खराब है, बाकी लोभ मोह तो अच्छे हैं, ऐसे तो नहीं समझ रहे ना। विकार माना विकार, हर विकार आत्मा का पतन करने वाले। कोई देहाकर्षण में, कोई धन साधन के आकर्षण में, कोई संबंधों के आकर्षण, कोई अपने ही नाम रूप पोस्ट पोजिशन के आकर्षण, हर विकार आत्मा का पतन करने वाला है। आज बाबा ने कहा सबको सुख शांति देता हूँ, सबको सुखी बना देता, एक बाबा सारे विश्व की आत्माओं को सुख शांति देता है और उसकी प्रैक्टिकल विधि पवित्रता, पावन बना देता है। जब कर्मेंद्रियों से विकारों के वश नहीं होना है तो मन में भी क्यों सोचना है, है ना। ये खुद खुद को रियलाइज कराना है और हम सबके लिए समान लक्ष्य है। बाबा ने ऐसे नहीं कहा है कि जो समर्पित है वो संपूर्ण संपन्न बनने का लक्ष्य रखें, जो घर ग्रस्त में रहते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं। घर में रहो, कहीं भी रहो, मधुबन में रहो, बनेगा वो ही जो लक्ष्य रखेगा। मुझे खुद अपनी लक्ष्मण रेखा बनानी है, मन वचन कर्म से क्या हमारी मर्यादाएं हैं, फिर हमारा लक्ष्य है ब्रह्माचारी बनना, ब्रह्मा बाप समान। बाबा ने भी आत्मभिमानी बनने की साधना की थी, सबको पता है, जीवन कहानी में पढ़ा है। बाबा लिखते थे मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, उनकी धर्म पत्नी के लिए बाबा लिखते थे यशोदा आत्मा है, नारायण बेटा आत्मा है, राधिका आत्मा है। देह संबंधों में आत्मिक दृष्टि, आत्मिक व्यवहार, उसके लिए बाबा ने खुद पक्का किया, अभ्यास किया। हमें भी ये अभ्यास करना, क्योंकि आत्मभिमानी स्थिति की साधना कच्ची रह जाएगी तो विकार का बीज नहीं जल पाएगा।
बीज से हमें खत्म करना है, नहीं तो फिर देहभान आता रहता है। कल बाबा ने पूरी मुरली इसी विषय पर थी ना, कल परसों, कि घर में रहते हैं पर श्रीमत पर है तो वो भी सरेंडर है, वो भी यज्ञ से पालना ले रहे हैं, शिव बाबा के भंडारे से खा रहे, पर वो समर्पण बुद्धि। बाबा ने कहा ना, मेरा जो कुछ है सो बाप का, वो देना नहीं है, ट्रस्टी बनकर संभालना है श्रीमत। और इसमें हमारा ही कल्याण है कि हमें अपना तन मन धन मन वचन कर्म श्रीमत पर यूज करना। बाबा ने कहा ना, कोई पाप ना हो जाए, फालतू व्यर्थ न जाए, इससे पुण्य करना। तो भले ब्रह्मा बाबा, तो बाबा ने कहा ना, भट्ठी बननी थी, कोई तो स्वाहा करता, तो बाबा तो सब कुछ समर्पित कर दिया प्रैक्टिकल। पता है ना, बाबा का बेटा जब बेगरी पार्ट में उनको देखा नहीं गया कि भाई मैं जवान बेटा बैठा हूँ और बाबा को इतनी तकलीफ है, यज्ञ में पैसा नहीं है, तो उसने कहा कि मैं कमाने जाऊँगा। बाबा ने तो मना किया कि ये तो शिव बाबा का भंडारा है, बाबा ही चलाएगा, पर उनको हुआ कि नहीं, मैं बैठा रहूं यहाँ और बाबा को इतनी तकलीफ है, तो वो गया, पर बाबा ने एक रुपया भी नहीं दिया। गया तो दुनिया में फंस गए क्योंकि बाबा ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तो इसमें ऐसा नहीं है कोई बाबा को बेटे के लिए दया नहीं है, प्यार नहीं, वो चीज नहीं है, पर सही उपयोग करना, श्रीमत पर उपयोग करना, तो वो प्रैक्टिकल बाबा को फॉलो करना है। एटलीस्ट हमारा कमाया हुआ हमें श्रीमत पर यूज करना, माना सही उपयोग करना। इसलिए बाबा कहते पतितों से लेन देन नहीं करनी, ऐसे बाबा कहते हैं ना, क्योंकि वो किस में उपयोग करेंगे। और सत्कर्म तो यही है, आत्माओं को बाबा का ज्ञान देना, आप समान बनाना, पवित्र योगी बनेंगे तो ही इंसान सदा का सुखी हो सकता है। इसलिए सबको ज्ञान में लाना ही सबसे सत्कर्म है, श्रेष्ठ कर्म यही है। इसलिए जब भी कोई आपसे मिलते हैं, कुछ भी बताते हैं, तो आप यही कहते हैं ना, भाई आप ज्ञान में आओ, 7 दिन का कोर्स करो, सेंटर पर आओ, क्योंकि सदा काल के सुख शांति तो बाबा के ज्ञान से ही मिलेंगे हर आत्मा को। इसलिए ये ज्ञान दान यही सबसे बड़ी सेवा है। बाबा के निश्चय को फॉलो करना है,
बाबा के आदेश पर यज्ञ रचा, पर कितनी बातें सामने आई, है ना? कोई भी परिस्थिति आती है तो हिलना नहीं, निश्चय पक्का कि जो ड्रामा की सीन हमारे सामने आती है कल्याणकारी, यही परिस्थितियां है, विघ्न है, वही तो समय है जब मुझे ज्ञान धारण कर दिखाना। जब परिस्थितियां सहज है, अनुकूल है, अच्छी है, तब तो हर कोई अच्छी स्थिति में रहेगा ना? पर हमारे सामने जब बातें आती हैं तभी तो मुझे ज्ञान धारण कर दिखाना है, अचल अडोल रहना है। अनेकों को बाबा ने आप समान बनाया है ना, आप समान लीडर्स तैयार किए बाबा ने। दादियों को देखा ना, हाँ, कितने सालों तक इस बेहद यज्ञ को चला के दिखा, कोई सहज तो नहीं है ना, समझ सकते हैं ना, एक परिवार चलाने में भी कितनी बातें होती है, अपने बीबी बच्चों को संभालना कितनी बड़ी बात होती है। बाबा ने इतने बड़े ईश्वरीय परिवार को संभाला, दादियों ने भी संभाल के दिखाया। तो हमें भी लौकिक या अलौकिक परिवार में कैसे चलना है, बाबा ने चल के दिखाया ना। कितनी सहनशीलता और एडजस्टमेंट पावर बाबा ने धारण किया, हमें भी इस ईश्वरीय परिवार में या आपके अपने अपने लौकिक परिवार में कैसे चलना है, जैसे बाबा ने सबको चलाया और बाबा उनके साथ चले, ऐसे हमें भी करके दिखाना है। अनेकों को आप समान बनाते हुए बाबा स्वयं भी संपूर्ण बन गए, तो ये चीज हमें भी ध्यान में रखनी। अनेकों को आप समान बनाते हुए जो मेरा मूल लक्ष्य है, खुद को संपूर्ण बनाना, मुझे भी बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं एक दो को फॉलो नहीं करना, हम एक दो को देखते हैं, सी फादर फॉलो फादर। मेरे स्थान पर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, बाबा कहते ना वेरीफाई करो, हर कदम पर राय लो। और मुरली में वो सारी बातें बाबा बताते हैं, भल बाबा साकार में नहीं है लेकिन मुरली रूप में साकार ही है ना। ब्रह्मा बाबा ने जो चिंतन किया, जो कहा, जो बताया, वो ही तो मुरली में आता है। हमें भी बाबा की राय मिल जाती है ना मुरली से, पर लक्ष्य पक्का। एक रस अवस्था बनानी है, हिलना नहीं है, हमें सत्य मिल गया है, हमें स्वरूप बनना है, खोजना अब कुछ भी नहीं। भक्ति में सारी मेहनत सत्य को पाने की है,
पर मिला नहीं, अनेक मतें मिली, मूल सत्य मिला ही नहीं। हमें सत्य को पाने की मेहनत नहीं है, बाबा खुद सारे ही सत्य हमें रोज समझाते हैं, हमें उनका स्वरूप बनना है, हमें वो इंटरेस्ट रखना है कि बाबा की हर श्रीमत का मुझे स्वरूप बनना है। कोई बनते हैं नहीं बनते हैं, कितने परसेंटेज में हैं, ये हमारा देखने का काम नहीं। ये समय है अपने आप को बनाने का। देखो अव्यक्त बाप दादा की पालना हमें कितने वर्षों तक मिली, लगभग 50 वर्षों बाबा का पाठ चला, ऑलमोस्ट 49-50 ईयर्स। अव्यक्त बाप दादा से तो मिले हैं ना सब, कौन कौन मिले हैं, काफी भाई बहने मिले हैं। दादियों की पालना हमें कितने सालों तक मिली, इसके बावजूद भी हम कितने परसेंटेज पर पहुंचे। हर एक अपनी परसेंटेज जानता है कि मैं कहाँ तक पहुंची इतनी पालना के बावजूद। अब मुझे अगर संपूर्ण बनना है तो खुद लक्ष्य बनाएंगे तो बन सके। अब जो हमें अपने आप को कंप्लीट करना है वो खुद का दृढ़ लक्ष्य होगा तो हम कर सके। समय तो आगे बढ़ चुका है, इसलिए बहुत ऊंचा विषय है हम ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले। बेहद का भाव जो आज बाबा ने बताया ना, सफलता का आधार है निमित्त भाव, निर्माण भाव और बेहद का भाव। बाबा मम्मा दादियां क्यों प्यारी लगती थी, क्योंकि बेहद, बेहद का दिल। सब अपने हैं, वो विशालता, बाप समान बनना है ना, रोज बाबा के सामने बैठते हैं, तो अपने आप को भी देखना है इनके जैसे कहां तक बने हैं। प्रैक्टिकल हमें एग्जाम्पल बनना है, क्योंकि हमारे पीछे आने वाली आत्माओं को हमें ही पालना देनी है ना, वो हमें देख के चलते हैं ना। भल हम कहते हैं ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, पर जो सामने हैं वो दिखाई देते हैं ना, तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम ऐसे बने कोई भूल से हमें फॉलो करे
तो भी ब्रह्मा बाप जैसे बन जाए। बाबा ने कहा ना, मुख से ऐसे बोल निकले जो हीरे जैसा जीवन बन जाए। कोई भूल से हमें फॉलो करे तो भी वो ब्रह्मा बाबा जैसे बन जाए। तो इसलिए भट्टी के प्रोग्राम बनते हैं कि वहाँ तो आपको टाइम नहीं होता है, मुरली क्लास करके भागते हैं वहाँ तो, हाँ? तो बाबा कहते हैं यहाँ आओ, फुर्सत से रहो और खुद खुद को देखो, चिंतन करो, अपने आप से पक्का कराओ क्या विचार है, अपने आप से पूछो क्या विचार है, लक्ष्य है ना बाबा जैसा बनना है। जब हमने दूसरे क्षेत्र छोड़ दिए, हमने लौकिक में, नौकरी धंधे में, समाज में, संसार में, हमने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य लेके कुछ करके नहीं दिखाए, है ना। आज दुनिया में आत्मबल से कितने बड़े बड़े पोजीशन पर पहुंचते हैं, कारोबार करके दिखाते हैं। हम लोगों ने दुनिया में कुछ विशेष करके नहीं दिखाया, क्यों? हमारा लक्ष्य अलग, हमारा क्षेत्र अलग हमने चुना है। हमने भगवान को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, और हम सब ने निर्णय किया कि हमें अपनी स्थिति उच्च बनानी है और विश्व कल्याण करना है। दो जवाबदारी बाबा ने दी, तो खुद को पक्का कराओ। जिस ज्ञान और योग को हमने चुना, उसमें हम किस ऊंचाई तक पहुंचे, हमें इसमें मास्टरी प्राप्त करनी। हमारे शब्दों में, हमारे संकल्पों में, हमारी दृष्टि में शक्ति भर जाए, हमें इसमें कुछ विशेष करके दिखाना। लोग आशा रखते हैं कि हमारे घर में ये योगी हैं, हमारी ऑफिस में ये योगी भाई हैं। लोग तो समझते हैं ना कि इस तपस्वी के निमित्त हम भी पार हो जाएंगे, हम भी तर जाएंगे। हमारे बीच में ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, अब ये अनुभव करें कि हमारे बीच में ये योगी हैं, इनके तप से हमारी नैया भी पार हो जाएगी। लौकिक परिवार में, अलौकिक परिवार में, कार्य क्षेत्र में, हमसे उन आत्माओं को बल मिले, दुआ मिले। जैसे बाबा के अंतिम दिनों की, बाबा के संपूर्णता की बातें, अनुभव की बातें बताते हैं ना हमारी दादियाँ, जो भी साकार में मिले कि बाबा अंत में उपराम हो गए थे, न्यारे हो गए थे। हम अपनी बात कब करेंगे कि गीता बेन उपराम हो गए, हाँ तब कहेंगे ना फॉलो किया है। हम अपने आप को समेट लें, सोचें
ब्राह्मण जीवन में भी अभी मुझे कहाँ परिवर्तन करने की जरूरत है जो मैं फरिश्ता बन सकूं। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है ना। इस ब्राह्मण जीवन में भी अभी भी कहाँ कमजोरी है, व्यर्थ है, साधारणता है, मुझे क्या परिवर्तन करूं जो मैं फरिश्ता महसूस। ये खुद करना होगा। तो अच्छा मौका है भट्टी का, पांडव भवन बाबा की तपोभूमि में मौका है। ओम शांति। बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिला ब्रह्मचारी और